ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ ഈ വരുന്ന കാറ്റഡ് എക്സാം JLT HST എന്നീ പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം निम्नलिखित में से आलसी शब्द की भाववाचक संख्या चुनकर लिखिए आंसर ऑप्शन सी आलस्य अरुपत्तिरंड खोई सर्वनाम का बहुवचन रूप निम्नलिखित में से कौन सा है आंसर ऑप्शन सी किन्हीं अड़ता क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे आदमी हो इस वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण शब्द लिखिए बहुत आंसर ऑप्शन बी बहुत अरुपत्ति वह स्कूल चला गया होगा ये वाक्य किस काल में है इधर आंसर ऑप्शन ए संदिग्ध भूतकाल अरुपत्ति राम ने मोहन को पुस्तक दे इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस कारक की विभक्ति है आंसर ऑप्शन डी संप्रदान कारक अरुपत्ति वाचिक के कितने भेद होते हैं आंसर ऑप्शन बी तीन अरुपत् निम्नलिखित में से अकर्म क्रिया चुनकर लिखिए आंसर ऑप्शन ए आना अरुपत् शरीर के अंगों के व्यापार को क्या कहा जाता है आंसर आंगिक ऑप्शन डी आंगिक अरुपत् विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद्र निष्पत्ति किसकी उक्ति है आंसर ऑप्शन सी भरत मुनि एवं निम्नलिखित में से भरत मुनि की रचना कौन सी है आंसर ऑप्शन है नाट्यशास्त्र एवपत्त चौद्यम संचारी भावों की संख्या कितनी है आंसर ऑप्शन डी मुपत्ति मून एवपत् रु निम्नलिखित में से ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आंसर ऑप्शन बी बामह एवपत्ति मून निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार नहीं है इधर आंसर ऑप्शन डी आने रूपक एवपत् नालाम चौद्यम कनक कनक थे स्वयगुणी मातकता अधिकार यही भाये बहुराय हे बहि खाए बहुराय उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आंसर ऑप्शन ए यमक एवपत्ति अंजाम चौद्यम जब उपमानों से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तब कौन सा अलंकार होता है आंसर ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा एवपत्ताराम चौद्यम चौपाई के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है आंसर ऑप्शन डी पदिनार मात्रकल एवपत्तेल औचित्य को रस का प्राण किसने कहा आंसर ऑप्शन सी क्षेमेंद्र एवपत्ते चौदह नोकू भारत सूत्र के पहले व्याख्याकार कौन है ऑप्शन ए आंतर भट्ट लोलट एवपत् चौद्यम रामने रावण को तीर से मारा इस वाक्य में कितने अर्थ तत्व है आंसर ऑप्शन डी नालाण उत्तर एणपता चौद्यम किसी भी भाषिक इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं आंसर ऑप्शन बी अर्थ एणपत्त चौद्यम वाइगोडस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है उत्तरम सामाजिक अंतक्रिया पर एणपत् पढ़न कौशल से मतलब क्या है उत्तरम पढ़कर समझना अड़ता चौद्यम किस विधि द्वारा पढ़ने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना होती है उत्तरम समीक्षा विधि एणपत्ति चौद्यम अंबासडर का समानार्थी शब्द कौन सा है आंसर राजदूत एणपत्त चौद्यम सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं उत्तरम परिपत्र अड़ चौद्यम संचार माध्यमों का उद्देश्य क्या है उत्तरम संप्रेषण अड़ चौद्यम किस विधा के शिक्षण के वक्त
मौन भाड़न को ज्यादा महत्व है? उत्तरम निबंध। एणपत्तेट्ट कविता शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? उत्तरम भावपूर्ण पठन एवं रसानुभूति। एणपत्तोंबदामत्ते चोद्यम गर्वा समाज से बच्चा किसका अर्जन करता है? उत्तरम भाषा। अड़ चोद्यम उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उत्तरम छात्रों की सृष्टि का पता लगाना। तुनूट चौद्यम जिस विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर आगमन विधि। तुनूट चौद्यम अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? उत्तरम फारसी। अर्थ चौद्यम ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? उत्तरम 1833। अर्थ चौद्यम संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तरम गोपाल स्वामी अय्यंगार। तुनूट चौद्यम भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? उत्तरम 14 सितंबर 1949। तुनूट चौद्यम संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? उत्तरम अनुच्छेद 343। अड़ क्वस्टन राजभाषा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या है? उत्तरम ऑप्शन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तुनूट साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? उत्तरम रामचंद्र शुक्ल। तुनूट चौद्यम नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? उत्तरम 1893। नूरामत्ते चौद्यम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तरम बालगंगाधर खरे। प्रियप्पेट्ट सुहृत्तुक्कळे इनि वरुन्न जेएलटी एक्सामुम कैटेट एक्सामुम एचएसटी एक्सामुम ओक्के एझुतुन्न कूट्टुकार्क्क् ई ओरु वीडियो उपकारप्रदमायिरिक्कुमेन्न विश्वसिक्कुन्नु। इनियुम तुडर्न्न इतुपोलेयुळ्ळ मत्सर परीक्षकळुडे वीडियोस् एन्टे चानलिल अप्लोड चेय्युन्नतायिरिक्कुम। एल्लावर्क्कुम ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും ലിസ്റ്റിൽ കയറട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ.